सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप, बीओ कम बीआरसी राजौंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिनांक 21 अप्रैल 2023 को हरियाणा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट, जिला प्रयोजन संयोजक, खंडों के बीईओ व बीआरसी, क्लस्टर हेड व स्कूल मुखियाओं के नाम निदेशालय हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्कूल के कक्षा कक्ष, अन्य कक्षों व भौतिक सुविधाओं का वेरिफिकेशन और अपडेशन का कार्य यूडाइस पोर्टल पर करने बारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम इन्हीं दिशा निर्देशों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हमने किस किस लेवल पर कार्य करना है, चाहे वो जिला स्तर का कार्य हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्तर का काम हो, क्लस्टर हेड का काम हो, या अन्य स्कूल मुखियाओं का काम हो। तो चलिए जानते हैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से कि किस तरह से हम यूडाइस पोर्टल पर ये सभी वेरिफिकेशन और ऑपरेशन का कार्य करेंगे। जैसा भली भांति आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष राज्य के सभी स्कूल यूडाइस पोर्टल पर स्कूल से संबंधित भवन, भौतिक सुविधाएं, अध्यापक व बच्चों से संबंधित सूचनाएं भरने का कार्य करते हैं। वर्ष 2022-23 से संबंधित बच्चों की सूचना को छोड़कर सभी सूचनाएं यूडाइस पोर्टल पर सभी स्कूल भर चुके हैं। अब स्कूल भवन व अन्य सुविधाओं का सत्यापन किया जाना है। स्कूल भवन व सुविधाओं से संबंधित एक केस माननीय उच्च न्यायालय में CWP नंबर 23384/2017 चल रहा है। इस केस में राज्य के सभी राजकीय स्कूलों के भवन व अन्य सुविधाओं बारे क्या क्या मांग है, इस बारे में जवाब माननीय उच्च न्यायालय में दिया जाना है। इस कार्य हेतु यूडाइस 2022-23 में भरी सभी सूचनाओं के आधार पर जवाब भेजा जाना है। जिला, खंड व क्लस्टर स्तर पर आंकड़ों के सत्यापन हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। इस कार्य में सभी स्कूल मुखियाओं की ड्यूटी महत्वपूर्ण रहेगी। स्कूल आंकड़ों के सत्यापन के कार्य को सभी स्तर की कमेटियाँ दी गई समय अवधि में कार्य को पूर्ण करेंगी। कार्य का निष्पादन हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार से हैं। जिला स्तर के कार्य से हम शुरुआत करते हैं। हालांकि यहाँ पर 30 अप्रैल तारीख रखी दी गई है, लेकिन VC के माध्यम से ये इन सभी तारीखों में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब जिला स्तर के कार्यों का निष्पादन जो है वो 28 अप्रैल तक ही किया जाएगा। सबसे पहले इसमें जिला शिक्षा अधिकारी यूडाइस आंकड़ा जाँच कार्य के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होंगे। जिला स्तर पर DO के नेतृत्व में 3 सदस्य DWO डाइट प्रिंसिपल और DPC डाटा वेरिफिकेशन कमेटी DVC का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर DWO डाइट प्रिंसिपल DPC सभी खंडों को बराबर बराबर बांट लें, ये अधिकारी आवंटित खंड के ब्लॉक नोडल ऑफिसर का कार्य भी करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक नोडल ऑफिसर आवंटित खंड के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तथा दी गई टाइमलाइन पर कार्य पूर्ण करवाएंगे। सभी ब्लॉक नोडल ऑफिसर क्लस्टर स्कूल पर मौके पर जाकर कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। दिनांक 21/4/2023 के दिन VC पूर्ण होने पर यह काम हो चुका है। DEO द्वारा सभी शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक ली जाएगी और उसमें सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। स्कूल डाटा वेरिफिकेशन फॉर्मेट SDVF व दिशा निर्देश पत्र का प्रिंट करवाकर सभी स्कूलों की खंड स्तर पर होने वाली सभी स्कूल मुखियाओं की बैठक में दिनांक 22/4/2023 को देना सुनिश्चित करवाया जाएगा। DPC कार्यालय में कार्यरत सभी APCs और कंप्यूटर प्रोग्राम जिला स्तरीय DVC का सहयोग करेंगे। वह कंप्यूटर प्रोग्रामर सभी खंडों की टेक्निकल डाटा वेरिफिकेशन टीम को डाटा वेरिफिकेशन हेतु दिशा निर्देश देंगे। यह कार्य
हालांकि 28/4/23 दिनांक रखी गई है, लेकिन अब यह जो तारीख है यह 27/4/2023 को साय 5 बजे तक सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्य पूर्ण कर यूडाइस पोर्टल पर डाटा फ्रीज कर देंगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी तरह जो दिनांक 29 यहाँ पे मेंशन है उसकी जगह दिनांक 28/4/2023 को जिला स्तर पर यूडाइस पोर्टल पर डाटा चेक करके पोर्टल से रिपोर्ट प्रिंट कर ली जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 30 की बजाय 29 अप्रैल को निदेशालय द्वारा यूडाइस पोर्टल की रिपोर्ट एक्सेल सीट में सभी खंडों व जिलों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। उस रिपोर्ट पर DW, DO, डाइट प्रिंसिपल और DPC आंकड़ों को प्रमाणित करके हस्ताक्षर करेंगे। दिनांक 30/4/2023 को रिपोर्ट स्कैन करके निदेशालय को प्लानिंग HSSPP2@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भेजेंगे व निदेशालय पर हार्ड कॉपी दस्ती तौर पर 1/5/2023 तक प्रातः अवश्य भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार खंड स्तर के जो कार्य रहेंगे वो किस प्रकार रहेंगे, इसमें भी तारीखों में बदलाव किया गया। पहले 28 और 29 अप्रैल थी, अभी यह तारीख बदलकर 27 अप्रैल कर दी गई है। दिनांक 22/4/23 को दोपहर पूर्व खंड स्तर पर सभी स्कूल मुखियाओं की बैठक बुलाई जानी है। बैठक में सभी कार्यों को किस प्रकार किया जाना है की जानकारी सभी मुखियाओं को दी जाएगी। खंड स्तर पर सभी स्कूलों का स्कूल आंकड़ा जांच प्रपत्र ऑन लीगल पेपर व दिशा निर्देश पत्र को प्रिंट करके दिया जाना सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी खंड स्तर पर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे जिसमें BO, BRC व लोकल स्कूल प्रिंसिपल, डाटा वेरिफिकेशन कमेटी व MIS कोऑर्डिनेटर और 2 IOLM की टेक्निकल कमेटी भी बनाएंगे। टेक्निकल कमेटी के सदस्य सभी क्लस्टरों से प्राप्त सूचना प्रपत्रों में से 10% स्कूलों सभी क्लस्टरों से स्कूल छांटे जाएंगे कि प्रपत्र जिन्होंने सूचना को अपडेट किया है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर जांच करेंगे कि सूचना अपडेट की है या नहीं। यदि किसी क्लस्टर के एक भी स्कूल की सूचना ठीक से यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट नहीं की है तो क्लस्टर के सभी प्रपत्रों को CRC हेड द्वारा दोबारा से चेक किया जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, खंड स्तर पर सभी क्लस्टरों की सूचना जांचने के उपरांत ठीक पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी यूडाइस पोर्टल पर आंकड़ों को दिनांक 27/4/23 को 5:30 तक अवश्य फ्रीज कर देंगे व खंड की रिपोर्ट प्रिंट कर लेंगे। इसी प्रकार दिनांक 29/4/23 को निदेशालय द्वारा यूडाइस पोर्टल की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट से मिलान करके रिपोर्ट पर सभी खंडों को भेजी जाएगी। खंड स्तर की डाटा वेरिफिकेशन कमेटी के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। निदेशालय के पत्र क्रमांक 20772-93 तक दिनांक 22/12/22 द्वारा प्रत्येक क्लस्टर पर एक टेक्निकल पर्सन PGT कंप्यूटर, IOLM कंप्यूटर टीचर, वोकेशनल टीचर कोई भी हो सकता है, यूडाइस के कार्य हेतु लगाने बारे निर्देश भी दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य हेतु एक टेक्निकल पर्सन की प्रत्येक क्लस्टर पर ड्यूटी अवश्य लगाई जाए। खंड स्तर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी सूरत में स्कूल स्तर, क्लस्टर स्तर व खंड स्तर की निदेशालय द्वारा दी गई टाइमलाइन का पालन किया जाए। इसी प्रकार क्लस्टर स्तर के जो कार्य रहेंगे उसमें 27 और 28 अप्रैल तारीख रखी गई है, लेकिन इसमें बदलाव करके अब 25 और 26 अप्रैल कर दिया गया है। क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर हेड, ABRC व क्लस्टर के अन्य कोई स्कूल मुखिया, वरिष्ठ माध्यमिक, हाई स्कूल या ESHM सभी 3 सदस्य एक कमेटी का यहाँ पर भी गठन किया जाएगा। क्लस्टर वेरिफिकेशन कमेटी CVC कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के सभी सदस्य पूरे क्लस्टर के सभी स्कूलों को आपस में बांटकर स्कूल आंकड़ा जांच प्रपत्र में सभी सूचनाओं की स्कूल में जाकर पुनः जांच करेंगे। जांच के उपरांत CVC सदस्य अपने आंकड़ा जांच प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। क्लस्टर प्रत्येक स्कूल के प्रपत्र की जांच अवश्य कर लेंगे। CVC कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि पहले से भरी सूचना में यदि कोई बदलाव किया गया है तो यह यूडाइस प्लस पोर्टल पर अवश्य अपडेट किया गया है।
यदि किसी स्कूल के SDVF में पहले से भरी सभी सूचनाएं जांच के पश्चात ठीक पाई गई हों तो उस स्कूल द्वारा UDISE पोर्टल पर किसी भी प्रकार के बदलाव की जरूरत नहीं है। इस स्कूल के प्रपत्र पर भी CVC कमेटी के सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। इसी प्रकार CVC जांच कमेटी सभी स्कूलों के प्रपत्रों की जांच के पश्चात CVC के सभी सदस्य खंड शिक्षा अधिकारी को यह प्रमाणित करके देंगे कि क्लस्टर के सभी स्कूलों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की जांच कर ली गई है। आंकड़ा जांच प्रपत्र में भरी सूचना पोर्टल में भरी सूचना के अनुसार ठीक है। सभी क्लस्टर मुखिया खंड स्तर पर यह प्रमाणित करेंगे कि क्लस्टर के सभी स्कूलों की सूचनाओं की जांच कर ली है व इनको UDISE प्लस पोर्टल पर ठीक पाया गया है। साथ ही सभी स्कूलों के आंकड़ा जांच प्रपत्रों को खंड स्तर पर दिनांक 27/4 तक जमा करवाएंगे। हालांकि यहां पे डेट 28/4 मेंशन है। इसी प्रकार क्लस्टर कार्य जो भी जिसकी डेट में भी बदलाव किया गया 25 और 26 है तक आवश्यक पूर्ण कर लिया जाए। स्कूल मुखिया के कार्य स्कूल मुखिया की जो तारीख रखी निर्धारित की गई है वो अब बदल कर 22 से 26 के बजाय 23 और 24 अप्रैल कर दी गई है, जैसा कि VC के दौरान बताया गया था उच्च अधिकारियों द्वारा। इसमें वर्ष 2022-23 के UDISE पोर्टल में 30/9/22 के आधार पर स्कूल द्वारा भरे कक्षा कक्ष अन्य कक्ष व भौतिक सुविधाओं का प्रत्येक स्कूल मुखिया द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना है। UDISE प्लस पोर्टल में भरी स्कूल सुविधाओं को निदेशालय द्वारा तैयार कर स्कूल डाटा वेरिफिकेशन फॉर्मेट SDVF में सभी स्कूलों को तैयार करके भेजा जाएगा। सभी स्कूल भरी गई सूचनाओं का प्रिंट लेकर विद्यालय में उपलब्ध कक्षा कक्ष अन्य कक्ष जैसे मुखिया कक्ष प्रयोगशाला पुस्तकालय इत्यादि की संख्या भौतिक सुविधाओं जैसे पीने का पानी लड़के लड़कियों का अलग अलग शौचालय बिजली इत्यादि सभी भरी गई सूचनाओं को बड़े ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे। चेक करने के उपरांत यदि किन्हीं सूचनाओं में कोई त्रुटि या गलती है तो इन सभी बिंदुओं को पहले SDVF में काटकर दोबारा से साफ साफ सही सूचना भरेंगे व उसके उपरांत UDISE प्लस पोर्टल पर भरी सूचनाओं को अपडेट करेंगे। UDISE प्लस पोर्टल में ध्यानपूर्वक सूचना ठीक करने के उपरांत निदेशालय द्वारा भेजी गई SDVF पर नीचे स्कूल मुखिया मोहर सहित हस्ताक्षर करके इसे प्रमाणित करेंगे। इस सूचना प्रपत्र को क्लस्टर इंचार्ज के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से जाकर चेक करवाएंगे। हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया था कि निदेशालय के द्वारा SDVF फॉर्मेट जारी कर दिए गए हैं और सभी ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में ये भेज दिए गए हैं और सभी ब्लॉक से आगे स्कूल स्तर पर भी भेज दिए गए हैं और मीटिंग में भी इसको देने का प्रस्ताव किया गया है। अब देखते हैं कि ये सैंपल जो है स्कूल डाटा वेरिफिकेशन फॉर्मेट का एक सैंपल साथ में अटैच है इस लेटर के, तो मुखियाओं स्कूल मुखिया से सभी से और जो कमेटी मेंबर उन सभी से अनुरोध है कि वो बारीकी से इस पत्र को अच्छे से पढ़ लें समझ लें और किस प्रकार से कार्य करना है उसके बारे में अच्छे प्रकार से जान लें। सबसे पहले हम स्कूल डाटा वेरिफिकेशन फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो इसमें स्कूल की पहले बेसिक जानकारी है। नंबर एक है स्कूल का नाम क्या है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल का एक सैंपल दिया गया है यहाँ पर। तो स्कूल का नाम, विलेज या वार्ड कहाँ गांव का है या शहर का है और वार्ड क्या है उसका, ब्लॉक का नाम, कैटेगरी क्या है, अपर प्राइमरी है या हायर सेकेंडरी है, इसी तरह से क्लस्टर कौन सा है और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिखाना है। 1.13 अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम की बात यहाँ पे है, तो आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम आपके विद्यालय में चल रही हैं उन सभी को यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आर्ट है तो आर्ट को कीजिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स को कीजिए, साइंस है तो साइंस को कीजिए, और अगर सभी तीनों ही स्ट्रीमें आपके स्कूल में चल रही हैं तो उसको भी आप तीनों को यस कर सकते हैं। 1.23 में क्या है, इज दिस ए शिफ्ट स्कूल, यस या नो में जवाब देना अपने। 2.1 बिल्डिंग स्टेटस क्या है, 3 है इसका, उसमें जब क्लिक करते हैं तो गवर्नमेंट इसमें आ जाता है। 2.2 में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंडीशंस की बात
की गई है कि टोटल कितना है, पक्का कितना है, पार्सल पक्का कितना है, कच्चा कितना है, टेंट कितने हैं और डिलैपिडेटेड क्या है और अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं। इसी प्रकार बाउंड्री वॉल का जो स्टेटस है वो यस है तो उसमें पक्का है, कच्चा है, नहीं है बाउंड्री वॉल, तो आपने कोई भी सूचना ग्राउंड रियलिटी के बिना इसमें नहीं भरनी है। जो भी ग्राउंड पे एट प्रेजेंट आप देख रहे हो वो सेम की सेम आपने इस फॉर्मेट में पहले अमेंडमेंट कर लेना ताकि यू डाइस पोर्टल पर जाकर आप उसको अपडेट और वेरीफाई कर सके। इसी तरह से 2.4 का जो ए पॉइंट है नंबर ऑफ क्लासरूम की बात करता है, इसमें सबसे पहले यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस प्री प्राइमरी 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 क्लासेस के लिए कितने कमरे आपके पास अवेलेबल हैं उनको यहाँ पर लिखना है। टोटल क्लासरूम इन यूज़ कितने, टोटल क्लासरूम उन्हीं का जोड़ यहाँ पर आ जाएगा कि कितने आपके पास कमरे क्लासरूम के लिए यूज़ की कर रहे हैं। इसी प्रकार करंटली नॉट इन यूज़, अंडर कंस्ट्रक्शन या डिलैपिडेटेड का भी इसमें एक कॉलम बना हुआ है। 2.4b नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर कंडीशंस की बात यहाँ पर चल रही है, तो इसमें पक्का क्लासरूम है और पार्सली पक्के क्लासरूम की बात कर रहे हैं। तो गुड कंडीशन में कितने हैं आपके पास, जैसा कि आपने ऊपर 2.4 में दिखाया है उसी का बी पॉइंट है ये, गुड कंडीशन के 15 हैं। नीड माइनर रिपेयर पर अगर कोई है तो उसमें आपने वो दिखाना है, नहीं है तो 0। नीड मेजर रिपेयर में अगर है कुछ आपके पास तो दिखाना है 1 या 2, नहीं तो 0। इसी प्रकार जो पार्शियल पक्का क्लासरूम की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो गुड कंडीशन में कितने हैं, नीड माइनर रिपेयर, नीड माइनर रिपेयर कितनी चाहिए और नीड मेजर रिपेयर में कितने कमरे हैं। इसी प्रकार नंबर ऑफ क्लासरूम के अलावा हमने जो कमरे हमारे पास अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम की यहाँ पे बात है कि क्लासरूम में जहाँ पे सीटिंग है बच्चों की क्लासरूम के अंदर, उनके अलावा आपके पास उसके अलावा कितने कमरे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। 2.5 में टॉयलेट्स की जानकारी देनी है आपने, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स टोटल और कितने फंक्शनल है उसमें, तो सबसे पहले बॉयज़ CWSN को छोड़कर टोटल और फंक्शनल, गर्ल्स CWSN को छोड़कर कितने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, केवल CWSN बॉयज़ के लिए टोटल कितने हैं और फंक्शनल कितने हैं, केवल CWSN गर्ल्स के लिए ये इसमें आपने यहाँ भरना है और टोटल यहाँ पे आपने दोनों का करना है टोटल और फंक्शनल का। इसी प्रकार अगर इसकी नेक्स्ट टेबल में हम देखते हैं तो नंबर ऑफ फंक्शनल बॉयज टॉयलेट विद रनिंग वाटर अवेलेबल की यहाँ पे बात है तो कितनी है, नंबर ऑफ फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट विद रनिंग वाटर अवेलेबल उसमें कितना है, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद टॉयलेट और यूरिनल में क्या है, यस या नो, इंसिनरेटर फॉर गर्ल्स टॉयलेट यस या नो। इसी तरह से आपने सारी डिटेल आगे यस या नो में ही फिल करनी है। फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर यस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यस या नो। इसी प्रकार 2.11 का जो पॉइंट है इसमें लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटी, इसमें यस है तो यस, नो है तो नो। 2.12 प्लेग्राउंड में यस या नो, इसमें कैटेगरी दिख रखी कि 2 है तो 2 पे ये नो आएगा, हो सकता है 1 हो तो यस आ जाएगा। इसी प्रकार 2.14 के अंदर रैंप फॉर CWSN यस और नो, हैंड रेल्स यस या नो। 2.18 पर फर्नीचर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे डूल डेस्क की बात है तो आपके पास अवेलेबल डूल डेस्क कितने हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। 2.19 सेपरेट रूम अवेलेबल फॉर, यहाँ पे उन सभी क्लास रूम के अलावा जितने कमरे स्कूल के अंदर हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, तो इसमें सबसे पहले सेपरेट रूम फॉर HT या प्रिंसिपल है या नहीं है, सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट HT वाइस प्रिंसिपल यस या नो, लाइब्रेरी यस या नो, गर्ल्स कॉमन रूम यस और नो, स्टाफ रूम यस या नो, को करिकुलर एक्टिविटी रूम यस या नो, इंटीग्रेटेड साइंस का कोई कमरा है आपके पास तो उसमें यस या नो, और टिंकरिंग के बारे में भी आपने यस या नो इसमें भरना है। इसी प्रकार अगर हम 2.20 सेपरेट रूम फॉर अवेलेबल फॉर लैब की बात यहाँ पे अब चल रही है, तो अधिकतर जो सीनियर स्कैंडिया हाई स्कूल होंगे वहीं पे ही लैब का प्रावधान होगा, प्राइमरी स्कूलों में इतना ज़्यादा फैसिलिटी सबकी नहीं होती है, फिर भी अगर आपके पास कोई अवेलेबल है प्राइमरी स्कूलों में भी या मिडिल में भी
तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेपरेट रूम अवेलेबल, यहाँ पे दो कॉलम है, सेपरेट रूम अवेलेबल और लैब फंक्शनल या इक्विप्ड। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ, लैंग्वेज, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर और ICT। तो इसमें सभी के कॉलम में अगर आपके पास यस है तो यस करना है, नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल करना है, नो है तो नो कर दो। जैसे भी आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी के बारे में बताएंगे वैसे ही आपका यूडाइस पोर्टल पर ये अपडेट हो जाएगा। लैब फंक्शनल है या क्यूप्ड है, वहाँ पे नॉट अवेलेबल है, फुली अक्यूप्ड है, नॉट अवेलेबल है, पार्शियल अक्यूप्ड है, फुल अक्यूप्ड है, नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज आपने फंक्शनल और अक्यूप्ड की यहाँ पर बात भरनी है आपने यस या नो के माध्यम से। इसी तरह से तो इसमें लास्ट में एक सर्टिफिकेट आपको जारी करना है, जैसे कि मैंने उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कर लिया है और सही पाया है, यदि किसी सूचना में सुधार की आवश्यकता थी तो उसको यूडाइस प्लस पोर्टल पर ठीक अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे स्कूल हेड अपना साइन करेंगे और स्टैम्प के साथ में साइन करेंगे, मोहर इस पर लगी होनी चाहिए स्कूल की, और डेट भी अवश्य मेंशन करें। इसी तरह से क्लस्टर जांच कमेटी सदस्य द्वारा उपरोक्त सूचना की जांच कर ली गई है तथा यूडाइस पोर्टल के अनुसार सही पाया गया है। यहाँ पे सभी जो क्लस्टर लेवल की कमेटी है या खंड स्तर पर जो कमेटी है वो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी है, यहाँ पे सभी के सभी कमेटी मेंबर जो ना साइन करेंगे। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इस ये पूरी जानकारी आपको इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देने का प्रयास किया है ताकि आप एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे समझ लो। हालांकि ये लेटर जो था निदेशालय द्वारा जारी किया गया था ये सभी स्कूलों तक जा चुका है और आप लोगों ने अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ भी लिया होगा, डिस्कशन भी कर लिया होगा एक दूसरे से, और सभी साथियों ने भी इसके बारे में विचार विमर्श भी कर लिया होगा क्योंकि इसको आपको मिले हुए एक दो दिन हो चुके हैं। आगे इस की जो कार्रवाई होगी वो इसी हफ्ते हमने समाप्त करनी है और निदेशालय के ये सख्त आदेश हैं कि आप 28 तक जो है ना इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें ना बरतें। साथ ही साथ एक बात यहाँ पे और ऐड करने वाली है कि कोई भी स्कूल मुखिया या क्लस्टर हेड इसमें कोई भी जानकारी गलत ना दें। जो इसका मिलान करने का मतलब यही है कि आपके पास करंटली जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज आपके सामने, वो सारे के सारे यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। यस है तो यस में, नो में तो नो में जवाब दीजिए। कोई भी मिसमैच डाटा यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब आप एक बार इस पूरी प्रैक्टिस को कर लेंगे उसके बाद कोई भी ऐसा मिसमैच डाटा आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे कि निदेशालय स्तर पर कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ की जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।